सर लोग गाइस, मैं हूँ सनी रेडर और मैंने जो है फाइनली स्विगी की जो है आईडी बना ली है। और ये रहा एक बैग, तो ये वाला बैग और ये वाली स्विगी की टी शर्ट मैंने जो है गेन कर ली है। तो भाई कल से जो है मेरा पहला दिन होने वाला है, तो पहले दिन का जो रिस्पॉन्स है अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं भाई वीडियो बनाने वाला, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो भाई फिलहाल जो है आईडी बन चुकी है, अब जाके कल काम करते हैं। और जो भी मेरे पूरे दिन का रेशो रहेगा, मतलब पूरे दिन की प्रोसेस रहेगी कि भाई सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की मैंने जो है शिफ्ट बुक करी है, तो भाई पहले दिन मेरा काम कैसा रहता है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहीं पे आके मिलता हूँ कल शाम को, वेट करो गाइस। 24 आवर लेटर क्या होगा अगर आप लोगों के सारे अरमान टूट जाए? आप लोग जो मतलब घर से निकलते हो इतने खुश होके कि आज हम जो है काम करेंगे और 1000 रुपये अर्निंग करने वाले हैं, तो भाई मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। मैं गया तो था भाई स्विगी के कपड़े उपड़े पहन के, बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई मैंने बैग गेन कर लिया, मैंने टी शर्ट गेन कर ली, कल शाम को ही आके मैंने टेक ले लिया था। सुबह उठा मैं और जैसे ही मैं वहाँ रास्ते में पहुँचा कि भाई ब्लॉग शूट करता हूँ कि आज मेरा जो है स्विगी में पहला दिन है, तो स्विगी में मेरा पहला दिन कैसा रहने वाला है, तो वही जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। बट मेरा सारा का सारा सपना धरा का धरा रह गया। रीज़न क्या हुआ यहाँ पे आप सामने देख लो कि जैसे ही मैंने वहाँ पे लॉगिन शुरू की, मैंने बोला चलो अपनी आईडी जो हूँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ, जैसे मैंने आईडी लॉगिन की यहाँ पे आ गया योर अकाउंट इज़ टेम्परेरी डीएक्टिवेटेड, तुम्हारा अकाउंट जो है मतलब टेम्परेरी डीएक्टिवेट कर दिया गया है। यानी कि एक किस्म का स्विगी ने जो है पहले ही दिन, मतलब अभी मैंने जो है आईडी बना के रूम आया था और उसके बाद पहला ही दिन लगाने जा रहा था, डीएक्टिवेट होगी मेरी आईडी, मतलब मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी ये आईडी डीएक्टिवेट हो गई है तो कोई चक्कर नहीं, पर मैंने फिर भी 1000 रुपये अर्निंग करनी है पूरे दिन में, चाहे स्विगी से ना कर सका तो किसी और में से ही। मैं फिर ब्लिंकिट में चला गया, वहाँ काम करने लगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मेरी ये मतलब स्विगी की आईडी जो है नहीं बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आईडी ब्लॉक हो गई, ठीक है। मैंने हार नहीं मानी, ठीक है, मैं चला गया स्विगी के स्टोर में और वहां जाके मैंने जो मतलब काम करना शुरू कर दिया स्विगी में, कि ब्लिंकिट में काम करना शुरू कर दिया कि जब तक मेरी ये वाली आईडी एक्टिवेट नहीं हो जाती तब तक मैंने फ्री नहीं रहना है। मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ के गया था कि भाई 7 बजे वाली मैंने शिफ्ट जो है स्विगी में लगानी है, तो वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया था मेरा सपना। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना भाई, अगर स्विगी नहीं तो ब्लिंकिट ही सही, भाई पैसा तो अर्न करना ही है, तो मैं वहाँ काम पर चला गया। बट मेरा जो माइंड का थॉट था ना, मतलब जो मेरा माइंड में चला हुआ था कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, मैंने इतनी मेहनत की है भाई, मतलब इतनी मुश्किल से मैंने आईडी बनवाई अपनी, इतना वो करा, पैसे लगाए, सब कुछ करा मैंने, उसके बाद जब आईडी बनी और आईडी जो है टर्मिनेट होगी, तो मतलब ये जो है डीएक्टिवेट होगी, तो भाई मुझे नहीं पता था, मैंने बस ठान लिया था मैंने कि भाई कुछ भी हो जाए मैंने जो है स्विगी में आज काम करना है, तो करना है, आप लोगों को दिखाना है कि भाई पहले दिन स्विगी में काम कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो भाई मैं सच में बता रहा हूं, मैंने पूरा जोर लगा दिया और भाई मेरी कुछ मेहनत, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं कि भाई हमें मेहनत करनी चाहिए, तो मेरी मेहनत ने जो मतलब सारा फल ला दिया मेरे को कि भाई मेरी आईडी ओपन होगी। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि मैं होम स्क्रीन पे हूँ इस टाइम, यहाँ पे आप देखो गो ऑफलाइन, इस टाइम मैं ऑफलाइन हूँ और मेरी आईडी पे कुछ भी ऐसा एरर नहीं आ रहा है कि मेरी आईडी जो है ऑनलाइन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि मैंने जो है 2 ऑर्डर भी मारे स्पेशल आप लोगों को यही दिखाने के लिए कि भाई मैं वाकई में यार मैंने कोशिश करी, वो जो एरर आ रहा था मेरी आईडी जो ब्लॉक हुई थी मैंने उस ब्लॉक को दूर कर दिया, मतलब कैसे करा वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना और पहला दिन मतलब कैसे रहने वाला था भाई वही चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट 2 ऑर्डरों का रिस्पॉन्स जो हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 2 ऑर्डर लगाए वो भी 12 बजे के बाद, क्योंकि मेरी आईडी जो है 12 बजे के बाद ही ओपन हुई थी, ऑटोमेटिक ही ओपन हो गई थी। कैसे हुई ऑटोमेटिक ही ओपन, क्योंकि मैंने जो है रिक्वेस्टेड डाली, हेल्प पे डाली, वो सारा का सारा आपको दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले आप देखो यहाँ पे मेरी आईडी अभी नई नई बनी है, तो यहाँ पे आप देख लो कि मैंने जो है मतलब 40 मिनट के अंदर अंदर 2 ऑर्डर लगाए, 2 ऑर्डरों की अर्निंग जो है 49 रुपीज रही है। कुछ लोग बोल रहे होंगे भाई ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, इन पैसों में हमारा क्या होगा, हम कैसे वो कर पाएंगे, सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। पर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इसके नीचे आप देख लो डेली इंसेंटिव टूडे, ठीक है, अर्न ₹301 मोर टू गेट 150, यानी कि अगर आप 350 रुपये का काम करते हो तो आपको कंपनी 150 रुपये एक्स्ट्रा देने वाली है, 430 का काम करते हो 225 रुपये, 510 का काम करते हो 300 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ठीक है। उसके साथ अगर आप 14 डिलीवरी, मतलब कंपनी जो क्लेम कर रही है कि डेली बम्पर गारंटी, जो कंपनी गारंटी देती है वो गारंटी ये है कि अगर आप 14 ऑर्डर
लगाते हो तो कंपनी आपको 500 का काम देगी देगी यार। 14 ऑर्डर आप दिन के, भाई स्विगी में जो इतना ज़्यादा ऑर्डर पड़ता है, आप दिन के 14 छोड़ो, आप 25 25 30 30 ऑर्डर मार सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, 18 ऑर्डर पे 650 है और 22 ऑर्डर पे 830 है। ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टा मार्ट की आईडी है, फूड की आईडी नहीं है, ये मैं इंस्टा मार्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लो भाई, मेगा बोर्ड अगर आप रेफर डालते हो किसी को तो भाई मिलने वाला है 7500 रुपये आपको अगर रेफर करते हो तो किसी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लो, मेरा अर्निंग की बात करो तो 49 रुपीज़ है। तो इसकी ये देख लो, ये आज ही की अर्निंग है, मैं यहाँ सी डिटेल कर देता हूँ, 18 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 18 मार्च से ये जो अर्निंग है ये है 19 मार्च की, 18 मार्च से 24 मार्च का जो है एक वीकली वीकली चलता है स्विगी में, जो लोग भाई स्विगी में उनको तो पता होगा। तो हम जहाँ चला गया मैं यहाँ पे, ये देख लो आपकी भाई, मेरे को जो है 29 रुपये का एक ऑर्डर पड़ा था जो मैंने 16 मिनटों में लगाया, 11:49:12 में। तो इसे ओपन कर लेता हूँ, कितने किलोमीटर गया यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि 3.2 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर जाना मेरे को कंपनी ने दी है 29 रुपये। अब सोच रहे होंगे आपकी, भाई इसमें तो 5 रुपये किलोमीटर मिल रहे हैं, बस 5 रुपये किलोमीटर मिल रहा है। भाई ये जो है ना समझने वाली बात है, ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल ये दो ऑर्डरों का रिस्पॉन्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं खुश था क्योंकि मुझे 29 रुपये मिल गए, नोट बैड। मैं आपको रीज़न भी बता दूंगा क्योंकि कंपनी जो है MG देती है। तो चलते हैं बैक। तो अब 20 रुपये का ऑर्डर था जो, उसकी आप देख लो कि 1.3 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर भी नहीं था, मेरे को कंपनी ने 20 रुपये दिए हैं पूरे, ठीक है। 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना, 20 रुपये मिल गए यहाँ पे। यहाँ पे आप देख लो, फ्लोटिंग कैश दोनों के दोनों ऑर्डर मेरे को पड़े थे, मतलब कैश पेमेंट कर रखी थी कस्टमर ने, मैंने कैश कलेक्ट नहीं करना था। अगर आप कस्टमर से कैश कलेक्ट करते हो तो यहाँ जो फ्लोटिंग कैश आ रहा है वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती कि आपके पास इतना कंपनी का कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो नोटिफिकेशन में आप देख लो यहाँ पे, डोंट यू वॉन्ट टू अर्न बिग पार्टनर्स इन यूर जोन, ठीक है, हैवी अर्नड 920 इन ए डे इन ऑर्डर अर्निंग, ठीक है, इंसेंटिव एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें चली हुई थी, आज मेरा पहला दिन था, सर्ज का कोई मतलब नहीं था। ये अर्निंग्स देख लो, माई शिफ्ट देख लो, ठीक है। तो इसमें शिफ्ट का सिस्टम रहता है, मैंने जैसे सुबह 7 से लेके 5 बजे की शिफ्ट जो है करवा रखी है इसमें, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो है मेरी आईडी, ये 2019 की आईडी मैंने ओपन करवाई है। जी हाँ, मैं आज से 5 साल पहले भी स्विगी में काम करता था, बट मैं गिवअप कर गया था, अभी आया हूँ वापिस पूरे जोरों शोरों से, क्योंकि मैं अब जो है मेरे पास एक मकसद है, आप लोगों का प्यार है, आप लोग मुझे सुनते हो, इसलिए मैं इनमें वापस आ रहा हूँ कि भाई अगर मैं वीडियो मतलब काम करूँगा, वीडियो बनाऊँगा तो आप लोग जो देख के मोटिवेट हो गए और आप भी जो रोज़गार करने वाले हो, इसलिए मैं करता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं मोर पे, ठीक है। तो मोर पे यहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख लो कि रेफर अर्निंग 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंपनी बोल रही है अगर आप किसी को रेफर डालते हो तो आपको जो है 7500 रुपये तक मिल सकते हैं। यहाँ पे कंपनी यहाँ 10,000 दिया है बट 7500 रुपये ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, अर्न अप टू 5000 बोनस फॉर एवरी रेफरर, ठीक है, रेफरर थ्री मोर फ्रेंड्स एंड अर्न एक्स्ट्रा 50% रेफर बोनस, यानी कि जिसे आप रेफर डालने वाले हो वो बंदे को मिलने वाले हैं 5000 रुपये, ठीक है, जिसे आप डालोगे, जो ज्वाइन करेगा वो भी काम करेगा तो उसे जो है 5000 रुपये मिलेंगे और आपको मिलेंगे 7000 की कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आ जाती है मेरी प्रोफाइल, यहाँ पे सारा मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ज्वाइनिंग डेट आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, 22/7/2019 की मेरी आईडी जो है ये बनी हुई है। मैंने जो है कल ही जाके मतलब इस आईडी को ओपन करा, और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी आईडी ओपन कैसे हुई, तो इसके ऊपर मैं जाऊँ पर्सनल वीडियो बना दूंगा कि भाई हम पुरानी नई और मतलब और नहीं, ठीक है, मतलब रीज्वाइनिंग कैसे करें, ज्वाइनिंग रीज्वाइनिंग कैसे करें, ठीक है। तो ये मैं इसके ऊपर बना दूंगा। तो ये कुछ सीन्स थे, और यहाँ पे आप देख लो, और मैं मेन चीज़ तो आपको बताना भूल गया कि भाई मेरी आईडी जो ब्लॉक हुई थी ये ओपन कैसे हुई। तो यहाँ पे चलते हैं भाई ऊपर, यहाँ पे आप देख लो हेडफोन बने होंगे कोने में, तो मैंने जैसे इस कोने वाले को ओपन करा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अब यहाँ पे VR, ठीक है, हाउ कैन वी हेल्प यू, ठीक है, यहाँ पे एक बैठी हुई है लड़की हेडफोन लगा के, ये हेल्प वाली है। तो यहाँ पे देख लो, वी आर वर्किंग ऑन यूर ओपन टिकट्स। तो मैंने जो है जैसे ही ओपन टिकट करी, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ कुछ पेंडिंग आ रहा है कि अपडेट डिपेंडेंट डिटेल्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ये तो मुझे भी नहीं पता, बट ये पेंडिंग चल रही है, ये कोई होगा कंपनी का, आई डोंट नो, छोड़ो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे जिस चीज़ से लेना देना था, जो मैंने डाली हुई थी रिक्वेस्ट, मैंने वो
डाल दिए। यहाँ पे देख लो अपडेट माई बैंक डिटेल, 2019 का जो मेरा बैंक था वो जो है बंद हो चुका था, ठीक है, वो मैंने ब्लॉक करवा दिया था, इसलिए मैंने मुझे अब नया बैंक अकाउंट डलवाना पड़ना था, तो नया अकाउंट अटैच करा मैंने, इसलिए मैंने इस पर रिक्वेस्ट डाली, वो पेंडिंग चली हुई है, बट मेरे अकाउंट में शो हो गया कि मेरा अकाउंट लिंक हो चुका है, ठीक है। उसके नीचे ये देख लो नोट गेटिंग ऑर्डर्स, यानी कि मेरे को जो है ऑर्डर नहीं पड़ रहे थे, मतलब नोट गेटिंग ऑर्डर यानी कि मेरी आईडी ब्लॉक नहीं हो रही थी, मैंने इसमें रिक्वेस्ट डाल दी। उसके नीचे आ रहा था नोट अवेलेबल, ये क्या हो गया ऐसे, नोट अवेलेबल टू स्टार्ट ड्यूटी, यानी कि जो ब्लॉक हुई थी आईडी मैंने उस पर जाके सीधा करा कि नोट अवेलेबल टू स्टार्ट ड्यूटी, मेरी ड्यूटी ऑन नहीं हो रही है, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली, उन्होंने रिसोल्व करा, जैसे उनका ये रिसोल्व खत्म हुआ मेरी आईडी ओपन होगी। उसके नीचे था अपडेट फोन नंबर, मैंने जो अपना फोन नंबर भी चेंज करना था कि मतलब एक नंबर से ही मेरा कॉन्टैक्ट हो, नहीं तो मेरे को दो दो फोन यूज़ करने पड़ने थे, बट क्या हुआ ऐसा सीन कि मेरे को पंगे लेने की आदत थी, पंगे लेना मतलब समझते हो आपकी, मेरे को मतलब टिका नहीं जाता ना, दो सिमें थी मेरे पास, आप लोग ये गलती ना करना, दो सिमें थी मेरे पास और मैंने जो है मतलब एक नंबर पे बनी हुई थी ऑलरेडी आईडी मेरी, मैंने दूसरे नंबर पे गोच दिया, जब एक नंबर पे आपकी आईडी बनी होती है दूसरे नंबर पे आपकी आईडी ओपन नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कंपनी के पास होते हैं, तो मैंने इसमें हुज्जे दे रखी थी, तो बट बाद में मेरे को कंपनी की कॉल आई, उन्होंने कहा कि आपका ये वाला नंबर भी ऑलरेडी मतलब उसमें चला हुआ है, तो हम जो है ये नंबर चेंज नहीं कर सकते, अगर अदर थर्ड नंबर है आपके पास तो भाई आप वो वाला नंबर दे दो, हम वो वाला नंबर अटैच कर देंगे, तो भाई मैं इतने नंबरों का अचार डालूंगा यार, यहाँ दो नंबरों से मेरे काम नहीं होते, तो वहाँ तीन तीन नंबर लेके मैंने क्या करना है, तो यही थे सीन कुछ, बट ये मैं कहना चाहूँगा कि भाई सच में बता रहा हूँ कि मेरी आईडी जो है बन चुकी है और मुझे लगता है कि हम जो है भाई इसमें स्विगी में काम कर सकते हैं, तो आपने भी देख ही लिया, आपके सामने ही यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा चिट्ठा रख दिया भाई, और मेरे को ना किसी बंदे ने कमेंट करा था कि भैया आप मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो अपने फ़ोन में, तो मैंने भाई वही चीज़ करी है, इस बार कोई स्क्रीन शॉट नहीं मारा, कोई कुछ नहीं मारा, एक स्क्रीन शॉट मारा है जो भी मेरी आईडी ब्लॉक हुई है वो वाला मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया था, तो उम्मीद करूंगा कि आपको पता चल गया होगा, और मैं नहीं चाहता कि आपके भी ऐसे दिल टूटे, आपकी नई नई आईडी बनी हो और आपके ऊपर भी ऐसा एरर आ जाए कि आपकी आईडी ब्लॉक है और आप दिल तोड़ के हार मान के आप बैठ जाओ रूम में, तो हार नहीं माननी है, वेट करो, सब्र करो, उनको परेशान करते रहो कि भाई मेरी आईडी क्यों ब्लॉक हुई है, मुझे नहीं पता, मेरी आईडी ओपन करो, मैंने काम करना है, ये करना है, वो करना है, आप उनको मैसेज करते रहो, ऑप्शन बहुत सारी मिलती है, तो ऐप्स की इंफॉर्मेशन भी मैं देने वाला हूँ बहुत जल्द, आपको सारी की सारी डिटेल मिलने वाली है, तो उम्मीद करूंगा भाई सच में बोल रहा हूँ आपको कि मैं सब कुछ आपको सच में बताने वाला हूँ, अगर आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल लगी होगी तो भाई वीडियो को आगे शेयर जरूर करना ताकि और भी भाइयों तक ये बात पहुंच सके, तो ज़्यादातर मैं वीडियोस जो है मोटिवेशन वाली ही लेके आया करूँगा, मतलब फील्ड में काम किया करूँगा, जो भी मेरे साथ बीतेगा वो आप लोगों के साथ यहाँ आके शेयर कर दिया करूँगा, और इन चीज़ों को आप इग्नोर मार देना भाई, क्या करें ऐसा ही है भाई, हम तो आपके काम की चीज़ें होनी चाहिए मेन, ठीक है, बंदे की मतलब कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन मानने वाला बंदा होना चाहिए, अगर मैंने आपके काम की चीज़ें बताई मतलब आपको लगता है कि हाँ हमारे काम की चीज़ें ये, तो इन चीज़ों को इग्नोर कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब मार लो, लाइक कमेंट कर दिया करो, और लाइक से अच्छा लगता है कि भाई चलो किसी ने तो मेरी वीडियो को लाइक किया, आप लोगों की बदौलत ही भाई आप लोगों को भी बताते हैं, अगर आप लोग सुनते हो तभी मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और हाल ही में मैंने ये नया माइक भी लिया है तो पता नहीं साउंड में भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ रही होगी, मुझे नहीं पता, मैंने ये फर्स्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ इस माइक के साथ, ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।